ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। जी आज किस प्रकार का जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया था 15 अगस्त के मौके पर, किस तरीके के संदेश दिए गए थे शहर के नागरिकों को, देश के नागरिकों को? नमस्कार, जैसे कि आज हम लोगों ने सिंधु एडुकेशन सोसाइटी और वाम्या फाउंडेशन की तरफ से एक लाइव स्ट्रीमिंग का प्रोग्राम रखा था, जिसमें जो हमारे उल्लासनगर शहर से कई लोग जिन लोगों की किसी कोरोना की वजह से और अपनी सर्विसेज देते हुए जिनकी डेथ हो गई, आज उनको ट्रिब्यूट दिया गया था। और इस प्रोग्राम को जो है हम लोगों ने 3 हिस्सों में बांटा था। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ध्वज का जो रंग है वो है केसरी, सफ़ेद और हरा। तो केसरी रंग का मतलब होता है सेक्रीफाइस, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं और अपनी जान की चिंता ना करते हुए उन्होंने इस बहुत तकलीफदायक वक्त में भी अपने देश को, अपने शहर को सर्विसेज दी। और दूसरा सफ़ेद रंग होता है पीस, यानी शांति का मतलब। बहुत सारी हमारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने इस दौरान अपनी सेवाएं और बाकी सब सहूलियतें लोगों को दी और शांति का माहौल बना के रखने की कोशिश की। तीसरा रंग है हरियाली, जिसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को सामने लेकर आए जिन लोगों ने अपनी बाकी की सर्विसेज देकर और हमारे देश को, हमारे शहर को बहुत सारी चीज़ों से आज़ादी दिलाया और लोगों को लड़ने की, इस कोविड की सिचुएशन में लड़ने की ताकत दी। तो इसी दौरान हम लोगों ने जैसे कि डॉक्टर वीके सचदेव थे और ऐसे कई पुलिस वाले थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनको ट्रिब्यूट दिया गया। और ये पूरा कार्यक्रम जो है हमारे कुछ नागरिकों के साथ मिलकर और इसको पूरा कंप्लीट किया गया। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात।